इंस्टाग्राम पर विक्रांत एक्सचेंज के नाम से पेज बनाकर ऑनलाइन पैसा निवेश के जरिए 3 दिन में 3 गुना पैसा कर लोगों को लालच देने वाले एक गिरोह के लोगों को प्रताप नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अंतरराज्य बताया जा रहा है और इसका मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के मुताबिक विक्रांत एक्सचेंज नामक इंस्टाग्राम पर बनाई गई आईडी से ये लोग विभिन्न प्रतिशत रिटर्न्स देकर लोगों को भुगतान करने के लिए मजबूर करते थे। फिर कुछ पैसे जमा करने के बाद डराकर लोगों को पैसे वापस करने के लिए ब्लैकमेल करते थे। इसी सिलसिले में फरियादी साहिल विनोद सिंह चौहान ने घर पर उन्हें इंस्टाग्राम पर विक्रांत एक्सचेंज के होम पेज पर एक विज्ञापन दिखाई दिया। उन्होंने निवेश की गई राशि पर 3 दिनों में 3% ब्याज की वापसी मिलेगी, ऐसा विज्ञापन देखा। शिकायतकर्ता और उसके दोस्त को पता चलते ही उसके दोस्त शुभम ने आकर्षक ब्याज दर का शिकार होकर नकद और ऑनलाइन पैसा निवेश कर दिया और जब उसने पैसे वापस मांगे तो विक्रांत एक्सचेंज नाम से बात करने वाली एक इस्मा ने उससे कहा कि पैसे वापस नहीं करेंगे, फिर से पैसा दे दो। उपरोक्त वादी द्वारा प्रताप नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू की और जाल बिछाकर मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राशि स्वीकार करने वाले सभी आरोपी जिले के बाहर और राज्य के बाहर के हैं। ये ग्रह अंतरराज्यीय स्तर पर ठगी करता था और मुख्यतः गुजरात से इस ग्रह के सक्रिय होने की जानकारी है। आरोपी नागपुर शहर में पहली बार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपराध करते थे। फिलहाल इस ग्रोह का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में 2 दिन पहले एक कंप्लेनेंट आया, जिसका नाम साहिल है। उसने बताया कि उसने ऑनलाइन इंस्टाग्राम आईडी पर विक्रांत एक्सचेंज इस पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा और उसको फोन भी पे भी बात किया, जिसमें बताया गया कि अगर आप हमारे पास पैसे जमा करते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा। अच्छा, लालच दिया गया। इस लालच में फंसकर उस फरियादी ने और उसके मित्र ने लगभग 11 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए और कुछ अमाउंट कैश में भी दिया एक पर्टिकुलर आदमी को, एक पर्टिकुलर जगह पे मिलके। बाद में पता चला कि वो जो अकाउंट का ऑपरेटर है विक्रांत एक्सचेंज आईडी वाला, या फिर जिस खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए, उनकी तरफ से फरियादी को फ़ोन आए कि अगर तुमको अपना पुराना पैसा वापस चाहिए और ब्याज चाहिए तो तुमको और पैसा जमा करना पड़ेगा। तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे डीसीपी जोन 1 की टीम ने एक ट्रैप लगाया और उसके आधार पे जो लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए आने वाले थे उनका एक नागपुर शहर में एक पर्टिकुलर ठिकान पे जाके इंतज़ार किया काफ़ी टाइम। फिर जब वो फरियादी के मित्र से पैसा लेने के लिए आए तो उनको वहाँ पर ताबे में लिया और उनसे पूछताछ करके ये जो पूरा रैकेट जहाँ से चल रहा था या फिर जिस लोकेलिटी से चल रहा था वहाँ पे जाके दबिश दी। इसमें टोटल टीम को 58,36,500 ऐसा कैश रकम, 2 नोट गिनने की मशीन और उस पर्टिकुलर स्पॉट से 1.8 आरोपी अभी तक हमारी टीम को मिले हैं, जिनके पास इतना सारा कैश अमाउंट था और जो प्रॉपर अकाउंट वो नहीं दे पा रहे थे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो इसलिए लीगल प्रोसीजर जो सीआरपीसी में है उनकी मदद लेते हुए आरोपियों को भी ताबे में लिया गया और कैश को भी सीज किया गया है। ये पूरी घटना में वसूली, खंडनी और फसवणूक इस आईपीसी कलम के अंदर गुनाह दाखिल किया गया है और आज की तारीख में हमारे ताबे में 8 आरोपी जिनसे पूछताछ चल रही है। ऐसा हो सकता है कि ये जो लोग ताबे में हमको लोकल अभी मिले हैं ये सब सिर्फ एजेंट हों और इनका मेन बॉस, मेन सूत्रधार किसी दूसरे राज्य में या फिर किसी दूसरे ज़िले में महाराष्ट्र के बैठ के ये सब ऑपरेट कर रहा हो। अभी तक कंप्लेनेंट और उसका दोस्त दोनों ने सामने आए हैं इस मामले में अभी तक के लिए, बाकी कोई फरियादी ने अभी तक पुलिस विभाग को ना इधर जोन 1 में और जोन 3 में कॉन्टैक्ट नहीं किया है अभी तक। वहाँ पे ऑफिस नहीं है, ये सब वहाँ पे मतलब कोई बोर्ड नहीं लगाया है इन्होंने, वहाँ पे विक्रांत एक्सचेंज लिखा नहीं है, बस वहाँ पे ये सब लोग रहते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं। पर इनको ऐसा आरोपियों की पूछताछ में निष्पन्न हुआ है कि इनको बाहर से इनके मालिक का या फिर सेठ का फ़ोन आता था, ऐसा इन्होंने बताया है। एक्चुअल डिटेल्स सिर्फ आरोपी के बयान पर हम
कंफर्म नहीं कर सकते, उसके लिए लेखी पुरावा या फिर कोई रिकॉर्ड हो वो अभी तक नहीं मिला है, पर जो फरियादी ने बताया उसको फरवरी के महीने में पहली बार उसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। दूसरा आरोपी विक्रांत एक्सचेंज आईडी चलाने वाला, जो कि अभी तक निष्पन्न हुआ है कि रोहित पटेल नाम का आदमी शायद उसको चलाता है, जो हमारे ताबे में है। तीसरा आरोपी अर्जुन चंदुभा राठौड़, ये गिर सोमनाथ जिले गुजरात से हैं। चौथा आरोपी धर्मेंद्र अकोबा वाला, ये भी गुजरात के है। नीलेश कुमार मनु प्रसाद दवे, जिला पाटन गुजरात। विष्णु भाई कृष्णादास पटेल गुजरात। विरम सिंह जयवन सिंह राठौड़ गुजरात। विक्रम सिंह जी धनाजी वघेला, जिला पाटन गुजरात। जोरू व जेलूसी बघेला, पाटन जिला गुजरात। इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल्स बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा। अभी नागपुर में किसके कॉन्टैक्ट से आए या फिर कैसे आए वो सब तपास का भाग है, और असर्टेन करने के बाद ही मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देता हूँ। 3 दिन का PCR हमको प्राप्त हुआ था, जिसकी टाइमिंग शायद कल खत्म होने वाली है। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।